से बच्चे, पुरुष, महिलाएं सभी क्या होती है, सभी काम करने लायक रहते हैं। आप शारीरिक रूप से काम कर सकते हो, मानसिक रूप से भी काम कर सकते हो, लेकिन आपने कुछ बच्चों को ऐसा देखा होगा, अपने आसपास देखा होगा कि वो कुछ जिसे बोल नहीं पा रहे, अच्छे से सुन नहीं पा रहे, देख नहीं पा रहे, चल नहीं पा रहे, है ना, लंग खाक के चल रहे हैं। जैसे यह कभी कभी किसी व्यक्ति में ऐसा होता है हाथ नहीं है, ऐसे बच्चे देखे होंगे, व्यक्ति भी देखे होंगे आसपास, ये तो जन्मजात हो जाते हैं। कभी कभी किसी दुर्घटना के कारण उनका हाथ कट जाना, पैर कट जाना, आंखों में चोट लगने से आंख की रोशनी चली जाना, या शरीर का कोई भी अंग क्षतिग्रस्त हो जाना, वो भी क्या होता है, अन्य सामान्य व्यक्तियों से वो अलग हो जाते। ऐसे लोगों को हम कहते हैं विकलांग या दिव्यांग कहा जाता था, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी ने दिव्यांग शब्द पर जोर दिया। दिव्यांग का अर्थ होता है विशेष, ध्यान दीजिएगा, ऐसे बच्चे जो शारीरिक अथवा मानसिक रूप से जन्मजात अक्षम हो या दुर्घटना के बाद उनमें अक्षमता पैदा हो जाए, यानी कि वो कार्य न कर पा रहे हो, ऐसे व्यक्ति दिव्यांग व्यक्ति कहलाते हैं। लेकिन ये जैसे कि क्या होता है, किसी को दिखता नहीं है लेकिन वो समझ बहुत लेता है, है ना, बहुत समझ लेता है, उसको महसूस बहुत ज्यादा होता है, हमसे ज्यादा वो महसूस होते हैं। भगवान ने उन्हें विशेष शक्ति दे रखी है दिव्यांग को, क्यों, क्योंकि उनका जब किसी अंग को, कोई अंग उसका क्षतिग्रस्त है या जन्मजात या दुर्घटना से, तो उसे कहीं ना कहीं ईश्वर की तरफ से एक शक्ति प्राप्त होती है, वो महसूस करने लगता है, उसको एहसास होने लगता है चीजों का। ठीक है, जो टॉपिक है हमारा दिव्यांगता, ये एक व्यापक शब्द है, इसका अर्थ होता है शारीरिक रूप से अक्षमता होना, किसी अंग के बनावट में अक्षमता होना। इसके और भी कई अर्थ होते हैं, वो भी हम क्लियर करते हैं। तो दिव्यांग व्यक्ति हो गए, और दिव्यांगता का अर्थ व्यापक रूप से है, मतलब कहने का जैसे कुछ लोग बोल नहीं पाते, सुन नहीं पाते, लिख नहीं पाते, उनमें समझ नहीं होती, शारीरिक रूप से जैसे अक्षम हो जाते हैं, पैर में अपंगता हो जाना, पैर से चल नहीं पाते हैं, कभी कभी पैर मुड़ा होता है अंदर की तरफ, किसी पैर आगे को बढ़ा होता है, किसी का पैर छोटा होता है, तो कई प्रकार की दिव्यांगता होती है।